देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। फसल सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आरा मक्खी, बालदार सूंडी, गोभी की तितली, माहू, ये विशेष जो है कीट इनमें लगते हैं और इनकी लगने की अलग अलग अवस्थाएं हैं। आरा मक्खी जो है ये 4 से 5 मिलीमीटर आकार के काले चमकदार रंग की जो है वो होती है और अंडे रोपक जो इसका है वो आरा के आकार का होता है और इसकी जो ये स्वयं जो पतंगा जो है वो नुकसान नहीं करता है। इसकी सूढ़ी जो है वो काले स्लेटी रंग की होती हैं और ये पत्तियों को खा जाती है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल अब जल्दी से एक नज़र डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बागवानी को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र सरकार, 8 नए उत्कृष्टता केंद्र जल्द होंगे स्थापित। बदलते मौसम की रफ्तार देखकर IMD ने जारी किया अलर्ट, किसानों व पशुपालकों को दी सलाह। जल संरक्षण की मिसाल पेश कर रहा है आरा केरम गांव, हर खेत हर घर मिल रहा है भरपूर पानी। बागवानी को बढ़ावा देने की खातिर जहां एक तरफ केंद्र सरकार जोर दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक इस समय सभी प्रयासरत हैं। यही वजह है कि इन दिनों सरकारें किसानों का ध्यान परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी की तरफ भी आकर्षित कर रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा इजराइल के साथ मिलकर काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके तहत देश के अंदर इजराइल तकनीक से सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिसे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट योजना के तहत बनाया जा रहा है। इसके तहत केंद्र सरकार ने अब तक पूरे देश में 37 सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दी है, जिसमें से 29 सब्जी व फल उत्कृष्टता केंद्र देश भर में काम भी कर रहे हैं, जो कि किसानों को कम लागत में विभिन्न तरह की सब्जियों से लेकर बागवानी तक की उपज की जानकारी दे रही है और आने वाले कुछ दिनों में इसी कड़ी में 8 और नए फल व सब्जी उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाना है, जिसकी शुरुआत आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी। इसकी जानकारी कृषि व किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने दी है। आपको बता दें कि अब तक देश के 12 राज्यों में 29 केंद्र सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिसकी समीक्षा हाल ही में कृषि व कल्याण विभाग द्वारा की गई है। इस दौरान डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले के रेडियार छत्रम गांव में मौजूद केंद्र का मुआयना भी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा के किसानों के खातिर हाल ही में एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान विभाग ने किसानों को अपनी फसल सुरक्षा के लिए जरूरी सलाह दी है। जनरल एग्रोमेट ने एडवाइजरी जारी करते हुए किसानों को सलाह दी है कि मौसम में चल रहे परिवर्तनशील और शुष्क मौसम की संभावना के चलते किसान अपनी फसलों में आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस एडवाइजरी में विभाग ने कहा है कि कपास किसान अपने कपास की बुवाई इस समय कर सकते हैं, साथ ही बुवाई के 2 से 3 सप्ताह बाद पौधे की पंक्तियों की दूरियों को देखते हुए उसमें से रोगग्रस्त व कीट प्रभावित पौधों को भी हटा सकते हैं। इतना ही नहीं, हरी मिर्च की खेती करने वाले किसानों के लिए विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि मई से जून के बीच के महीने मिर्च की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त है। 30 से 35 दिनों के बीच रोपाई का वक्त हो जाता है। गौरतलब है कि इन दिनों गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने पशुओं को हरा चारा और समय समय पर पानी देते रहें, साथ ही पशुओं को पैर मुंह की बीमारी और ब्लैक कार्टर की बीमारी से बचाने के लिए टीका नहीं लगवाया है तो लगवा दें, ताकि आप सभी को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
पानी बचाने की कवायद हर ओर हो रही है, लेकिन असल हकीकत में पानी की अहमियत को अधिकतर नागरिकों से लेकर किसान तक सचेत नहीं है। ऐसे में झारखंड के रांची जिले में मौजूद आरा केरम गांव इन दिनों जल संरक्षण से लेकर पर्यावरण हितैषी होने की मिसाल पेश कर रहा है। यही वजह है कि इस गांव के बारे में हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बताया था। आपको बता दें कि इस गांव में जहां आज के समय में ग्रामीणों की एकजुटता की संघर्ष की कहानी छिपी है, तो वहीं पूरा गांव नशे के खिलाफ एक अभियान चलाए है। गांव के प्रवेश के पहले ही एक हंसता हुआ साइन बोर्ड आपका स्वागत करता है, जबकि गांव के अधिकतर लोग पशुपालन और खेती के जरिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इस गांव की सबसे खास वजह ये है कि यहां खेतों में पानी की सिंचाई के लिए किसानों को कभी पानी की कमी नहीं महसूस होती है, जिसकी वजह है एक समय तक सूखे की मार झेलने वाले इस गांव के लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर जगह जगह छोटा लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाया है। साथ ही पहाड़ की तराई से सटे तालाब बनाए हैं जहाँ भरपूर मात्रा में किसान पानी रोक पाते हैं, जिससे यहाँ का जल स्तर बेहतर हुआ है। साथ ही किसानों को तय समय पर सिंचाई का पानी मुहैया हो जाता है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने अभी तक अनिवार्य ईकेवाईसी को पूरा करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी है। पहले ये डेडलाइन 31 मई 2022 थी। पीएम किसान वेबसाइट पर एक फ्लैश के अनुसार सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी की समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा में पानी की बचत को लेकर सरकार प्रयासरत है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने एक और फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि हरियाणा कृषि विभाग ने साफ कह दिया है कि 15 जून के बाद ही धान की रुपाई होगी। आदेश ना मानने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा या फिर उनकी फसल को नष्ट कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार ने प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल वाटर एक्ट 2009 के तहत ये आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र के किसान अब राज्यव्यापी प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। फिलहाल अहमदनगर गांव में किसानों का काफिला आंदोलन पर बैठ गया है, जिसके तहत सरकार से एमएसपी तय करने की, बिजली बिल पूर्ण माफ करने की, रोज 10 घंटे बिजली की आपूर्ति और गन्ना किसानों के लिए अनुदान की मांग रखी जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार अगर अभी भी नहीं माने तो वो राज्यव्यापी आंदोलन करने बैठ जाएंगे। भारत में तेल के दाम में गिरावट की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटाने के बाद इंडोनेशिया ने 3 जून तक कुल 2,75,454 टन तेल उत्पादों के लिए निर्यात परमिट जारी किया है। ऐसे में इतना तेल भारतीय बाजार में आने के बाद कीमतों में कमी आने का अनुमान है। भारत में अब गेहूं चावल के बाद चाय की भी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। खराब क्वालिटी की चाय को अब विदेशों से भी लौटाया जा रहा है और इसके पीछे बड़ी वजह है कीटनाशकों का इस्तेमाल। खबर की माने तो अधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल अब चाय के बिजनेस पर भी ठप्पा लगा सकता है। हाल ही में भारतीय चाय निर्यातक संघ के अध्यक्ष अंशुमन कनोरिया ने इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।